2012 में अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर ने अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए अभिनेता सत्यकाम आनंद लोगों के बीच चर्चित हुए। मूल रूप से बिहार राज्य के आरा जिले के रहने वाले अभिनेता सत्यकाम आनंद आज हजारीबाग पहुंचे, जिनसे खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता फलक शमीम ने। वर्ष 2012 में बनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से फेम में आए जो बिहार आरा के रहने वाले हमारे साथ मौजूद हैं सत्यकाम आनंद जी, उनसे हम बात करेंगे। आज वो हजारीबाग आए हैं और साथ में यहाँ पर एक फिल्म के सिलसिले में हैं, उससे भी बात होंगे और ये जानेंगे कि अब जो नए युवा है जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, चाहे वो एक्टिंग की लाइन में हो या फिर डायरेक्शन की लाइन में हो, उनको क्या अपने तरफ आप देख रहे हैं। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी लोगों को और हजारीबाग के दोस्तों को। मैं टिप्स यही देना चाहूँगा कि अगर आपने सपना पाला है बहुत अच्छी बात है, सपना नहीं जो देखता है मेरे अनुसार वो क्राइम है। सपना देखना चाहिए क्योंकि ईश्वर द्वारा दिया हुआ एक अलग स्पेशल चीज़ है जो सिर्फ मनुष्य में, किसी और जानवर में नहीं। तो सपना हमें देखना चाहिए और जब सपना हम देखें तो कम से कम खुद से 3-4 बार क्रॉस चेक करें कि क्या हम जो लोग देख रहे हैं वो वही करना है मुझे, वही करना है मुझे, वही करना है मुझे, कम से कम 8-10 बार तो चेक करें खुद से बात करें। और जब क्लियर हो कि यस वही करना है तो ये संभव कैसे होगा, तो संभव होने का मुझे लगता है कि दो मोटा मोटी दो चीज़ें दिखाई देती है हमको, तीन चीज़ें। वो एक होता है कि भगवान जी हेल्प करेंगे, किस्मत साथ देगी, और तीसरा जरूर होता है मेहनत। तो भगवान और किस्मत कब देंगे साथ कब नहीं देंगे हमको पता नहीं है और ना हमारे पास कोई कम्युनिकेशन है कि हम पूछ लें उससे। तो मेहनत जो हमारे हाथ में, मेहनत करें और मेहनत में भी स्ट्रैटेजी बनाए, प्लानिंग करें कि कैसे 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 होगा। जैसे हमको मुंबई जाना है और वहाँ पर काम करना है तो हमको यहाँ से जाना होगा, यहाँ से निकलना होगा। तो इन तरह के अगर हम छोटी 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 प्लानिंग के साथ हम तैयारी करके जब मुंबई पहुँचेंगे तो वहाँ जो भी हमको फेस करना होगा वो पहले से हमारे पास उसके लिए वेपन्स होंगे जिससे बच जाएंगे। यहाँ डिस्टर्ब मैं आपको रोकना चाहूँगा, आपने कहा कि पहले मुंबई के लिए, क्योंकि आप भी आरा से मुंबई तक का सफर का है, काफ़ी स्ट्रगल बना रहा है और आप जो है इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, फादर आपके शिक्षक रह चुके हैं, शिक्षा के बाद ये एक्टिंग लाइन, क्योंकि आप उसके बाद से ही एक्टिंग लाइन में जुड़े हैं, कैसे ये पढ़ना है कि एक्टिंग लाइन के लिए ही हम बढ़े। नहीं, मन में नहीं आया, ये भी कमाल की घटना है। मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे नाटक में डाला, क्योंकि पटना में एक साइंस कॉलेज है जो बहुत ही बड़ा कॉलेज है और उसमें कुछ 95% के आसपास मार्क्स चाहिए होते हैं, वही एडमिशन थे, मेरे उतने मार्क्स थे। तो मेरे घर वालों का कहना था कि नाटक में आप ज्वाइन करो और नाटक कोटा पर तुम्हारा नाम लिखा है, इसके लिए घर वालों ने डाला, लेकिन मेरा एडमिशन वहाँ नहीं हो पाया। ये ये एडिक्शन क्योंकि अच्छा लगा पहली बार जिंदगी में किया और घर वालों ने चूंकि डाला था तुम लोगों ने मना नहीं किया मुझे, बट बाद में मना किया 2 साल के बाद कि तुम भी मत पढ़ो, ये मत करो, इंजीनियर बनो। लेकिन तब तक मेरे अंदर वो सपने वाली बात भी घुस चुकी थी। मैंने अपने फादर को बहुत कन्विंस किया, बहुत कन्विंस किया, कन्विंस करने के बाद फाइनली मैं निकला। शुरू में नहीं रहा था, बाद में खुला। अच्छा चलिए, अब जानना चाहूँगा कि अभी हाल में सामने नकारात्मक का मामला आया है, उसके बाद जो बॉलीवुड के कई ऐसे किस्से हैं जो सामने आए हैं थ्रू मीडिया, उससे ये भी पता चला है कि बॉलीवुड सोशल बहुत है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर नहीं, हर छोटे दुकान पर भी सोशल होता है, चाहे आपके शहर का दुकान, सोशल तो हर जगह है। सिनेमा एक ऐसा दुनिया है जहाँ की हर चीज़ दुनिया की होती है, इसलिए ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है। मुझे अभी मतलब मुझे ये बात पहले से मालूम था कि यहाँ पर शोषण है, हर जगह शोषण है, जो भी काम थिएटर में काम करते हैं हम लोग अभी काम करते हैं, तो मेरे लिए कोई बहुत गंभीर और अलग बात नहीं है हर जगह। चलिए, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा उनके बारे की, इनका एक बहुत जो है ज़बरदस्त डायलॉग था, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इसे लेकर लाखों करोड़ों मीम्स बने हैं और सोशल मीडिया में अभी तक टॉप पे है, वो मीम्स चलती है बिल्कुल अभी। मीम्स की दुनिया में 2 टॉप पे है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा जो मैं हूँ और ये बहरा परिक, तो थोड़ा सा है वो, अगर आप लिखेंगे आप पर वो दर्शाया गया, दर्शाया गया था, लेकिन डायलॉग मेरे पिताजी का, बिल्कुल फिर भी विधायक का रोल किए थे ये, जेपी सिंह विधायक का रोल किए थे ये, तो लेकिन एक छोटा सा हाँ उसमें यही था कि बाबू जी आते हैं, डॉक्टर होते हैं, बोलते हैं कि अच्छा एक बात बताऊँ, कल रात मुझे कहा मैं बोल रहा हूँ कि देखते हैं फिर
तो ये मंजर जो था वो इनके पिताजी जो फिल्म में बने थे वो इनको राजनीति में आगे बढ़ना चाह रहे थे और ये जो था इनका ध्यान उस ओर नहीं था, उस रात हम फिल्म देख कर आ रहे थे। फिल्म देख के आने के बाद जब पिताजी पूछते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं फिल्म देख कर आया हूँ। उसके बाद इनके पिताजी जो फिल्म में बने थे वो बोलते हैं बेटा तुमसे ना हो पाएगा। 2012 में यह डायलॉग आया था और वो आज तक सोशल मीडिया में वो जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं चाहे वो झारखंड के हों या बिहार के हों वो देखते हों। अच्छा, मैं अपने जो बिहार के दर्शक हैं उनसे मैं बताना चाहूँगा कि आपके ही बिहार से हैं, आरा के हैं रहने वाले, यूपीएससी और जीपीएससी के लिए हमारा जो है जाना जाता है और कई जर्नलिस्ट भी जो है नेशनल मीडिया में वो बिहार से भी आए हैं और ऐसे में हम लोग वहाँ से एक्टिंग लाइन में भी आ रहे हैं। और आप बिहार की कुछ कहानी को लेकर फिर बन गई है, उसकी तैयारी चल रही है क्योंकि मेरे हाथ में अब वो चीज़ें आ रही हैं। वही तो प्लेटफॉर्म उन लोग खड़ा करने के लिए आए हैं कि अब हम अपनी चीज़ें बनाएं। बाहर के लोग आते हैं बिहार में सिर्फ क्राइम पे बनाते हैं, अब देखेंगे शुरू से लेकर तक बिहार के जितनी भी फिल्में बनी हैं सिर्फ क्राइम पे बनी है। हमने हम चूँकि यहाँ के हैं हम जानते हैं कि और भी कई कहानियाँ हैं, कमाल कमाल की घटनाएँ हमारे कोई बना नहीं रहा है। तो जो प्लेटफॉर्म हम खड़ा कर रहे हैं प्लेटफॉर्म में हम लोग वही कर रहे हैं कि हमारा अपनी कहानी हो, हमारी लोकल कहानी हो, हमारे लोकल राइटर्स हो। अब हम बिहार के झारखंड के आसपास के जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको सिनेमा के माध्यम से लाना चाहते हैं, हम शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं सिनेमा। चलिए, जो आखिरी सवाल है उससे पहले मुझे एक सवाल है, आपने धूमचंद यात्रा जी जी वो क्या था और यहाँ तक धूमचंद जी निकाला नहीं था, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, निकाला था पटना से लेके दिल्ली के बीच में। वो एक मेरा सोशल उसमें 40 स्पॉट जोड़ा गया था, फिक्स किया गया था कि वहाँ पे जाना है गांव में स्पेशली और एक केंद्र था। उस केंद्र में आपका शिक्षा केंद्र होगा, दुनिया में हर चीज़ जो आपके दिमाग में है जो चाहिए उसके लिए केंद्र होगा जिसको आप प्रोवाइड करें। ये सिस्टम कोई सरकार सिस्टम को कोई नहीं और हर 40 जगह से मुझे सिनेमा में जो डिप्रेस्ट बच्चे हैं उनको ढूंढ के सपोर्ट करना है, जिनको हम सिलेंची बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, और सिनेमा की खेती करना है। ढिंचक यात्रा उसी का था, करना था मुझे पिछले साल, लेकिन सितंबर में अगर आपको ध्यान होगा असमय बारिश आ गया था बिहार में, पूरा बाढ़ बाढ़ उसी टाइम पर करना था नहीं हुआ। अब शायद मुझे लगता है कि ये मार्च एंड के आसपास एक कोशिश है हमारी प्लानिंग। बिल्कुल बता रहा हूँ, मेरे अभी सबसे जो बड़ी प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो चुकी है उस फिल्म का नाम है शेरनी। ये है अमित मासूरकर इसका डायरेक्टर है, जिन्होंने न्यूटन फिल्म बनाई थी जो 2018 में ऑस्कर के लिए गई थी। फिल्म कम्प्लीट हो चुकी है, इसमें विद्यावाला लीड में है, मैसे लीड में कम्प्लीट हो चुकी है। उसके बाद शाहरुख खान प्रोडक्शन की एक फिल्म है धमाका नाम, उसको उसमें सेकेंड लीड में कर रहा हूँ, जो शूटिंग शुरू होने वाली है। उसके बाद एक फिल्म है मेरी लव ऑल, ये बैडमिंटन बेस्ड फिल्म है जिसमें के मैन और मैं लीड में था वो चुकी है। यस यस। उसके बाद एक राम गोपाल वर्मा साहब के एसोसिएट रह चुके हैं साजिद भाई, उनकी एक फिल्म है कम्प्लीट हो चुकी है। अभी मैं फिलहाल इसके लिए डिज्नी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वगैरह याद नहीं आता है, डिज्नी हॉट स्टार के लिए एक वेब सीरीज कम्प्लीट हो चुकी है मेरा जिसका नाम है 84। एक है सोनी लिव के लिए जिसका नाम है माता रानी, उसके बाद एक एक्सप्लेन के लिए होने वाला है। बाकी मेरा जो अपना अनुभव चल रहा है ठीक है, सिनेमा की खेती और लफोक जो कर रहे हैं उसके थ्रू हम 4 फिल्में डायरेक्ट करने कम्प्लीट कर चुके हैं। ये फिलहाल अभी तो यही है कुछ कहा। हाँ, मैं तो बताना चाहूँगा 2 फिल्में बाहर की, एक जर्मन फिल्म है, जर्मन प्रोडक्शन की फिल्म है, एक हॉलैंड प्रोडक्शन है। आपने एक बात की प्रोजेक्ट से मैं हमारी भी ये दुआ रही कि आवाज़ की पूरी टीम की ओर से इनको इतनी फिल्म मिले कि ये सच में एक असिस्टेंट इनके रहे जो कि फिल्म की लिस्ट निकाले कि इनकी आगामी कौन कौन सी फिल्म है वो बताएं। थैंक यू सो मच। हमारे ज़्यादातर दर्शक जो हैं वो छात्र हमारे दर्शक युवा दर्शक हैं जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, उनके लिए क्या मैं यही कहूँगा कि भाई सपना वही में बात कर सपना पाले, मेहनत करें, स्ट्रैटेजी बनाए और हारे लगे रहें, जिंदगी चलने की। कहते हैं ना एक बड़ा कमाल का लाइन है कि हार डर के बाद जीत, लिटरली जिसने भी लिखा है कमाल का लिखा है, जहाँ आप डर को क्रॉस किया लगे रहिए, कोई ऑप्शन नहीं, परिवार के साथ पेरेंट्स हमेशा साथ देता है और पढ़ाई बहुत
तो देखिए ये तो ये भी बता रहे हैं कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, आप किसी भी फील्ड में जाएं लेकिन पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखें। पढ़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि जहाँ पे कोई काम नहीं देगा आपको, कोई साथ नहीं देगा इस दुनिया, वहाँ पे आपको शिक्षा इसलिए जरूरी। चलिए बात क्योंकि आपसे अलविदा लेने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि आप बात इतनी अच्छी कर रही हैं लेकिन वक्त का थोड़ा तकाजा है, तो चलिए फिर मिस करते हैं आपसे। ये हमारे साथ सत्यकाम आनंद जी थे जो कि बिहार आरा के पुपरली रहने वाले हैं और इन्होंने जो है मुंबई का सफर जो तय किया और उसके बाद अपनी अलग पहचान बनाई और आज इनके पास कई ऐसी फिल्में हैं जो आने वाले समय में वाकई अपनी अलग पहचान छोड़ जाएगा। तो इसी तरह आवाज़ डेली हर्ष टीवी के साथ जुड़े रहे जैसे कि प्रोफेसर आरिफ के साथ, फलक शमी, आवाज़ डेली, हर्ष टीवी, हजारीबाग।